Hi guys, namaste. I hope you're doing good. So it's been a long time. I haven't done a long format video. Like I have been uploading shorts regularly, but today I thought of doing a proper long format wali video. So for today's video, I will be telling you all about an outfit from scratch. I have done a video of the same kind, I think in the month of January, wherein I talked about January or February, wherein I talked about a lehenga. लहंगा फ्रॉम आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच था वो कि मैंने कैसे उसका कपड़ा एंड ऑल लिया था. सो यू कैन चेक दैट वीडियो एज वेल. सो फॉर टूडेज वीडियो आई टेल यू अबाउट दिस चिकनकारी रेड कलर सूट दैट आई गॉट रिसेंटली मेड. सो ये बेसिकली एक आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच है. सो आई बी टेलिंग यू अबाउट द क्लॉथ, द लाइनिंग, द स्टिचिंग, द पजामा, दुपट्टा, एवरीथिंग. एंड आई ऑल्सो टॉक अबाउट द स्टाइलिंग पार्ट ऑफ दिस सूट कि मैंने इसको कैसे स्टाइल किया था. एंड आई गॉट इट मेड फॉर माई फ्रेंड्स ब्रदर्स वेडिंग. सो आई गॉट अ मेहंदी ऑल्सो जिसमें मैंने लिखवाया था दूल्हे के भाई की दोस्त. सो इट वॉज अ क्लोज वेडिंग. सो फॉर द सेकंड सेरेमनी आई वॉन्टेड टू वेयर समथिंग इन रेड कलर बिकॉज वो मुझे काफी ज्यादा ऐसे एकदम प्रॉपर चटकीला रेड नहीं चाहिए था, मुझे समवेयर ऐसे वाला ही रेड चाहिए था. बट ऐसा सेम सूट मिलना वॉज वेरी डिफिकल्ट टास्क एंड मुझे जैसा पसंद है वैसा मिल नहीं रहा था कुछ. सो आई डिसाइडेड कि मैं खुद ही सूट बनवाती हूँ. सो मैं आपको पूरा प्रोसेस बताने वाली हूँ एंड एक एक चीज डिटेल में बताने वाली हूँ. सो लेट्स बिगिन. सो आई गॉट दिस क्लॉथ मटीरियल फ्रॉम चांदनी चौक. सो चांदनी चौक में जो मेन मार्केट होती है, जो नई सड़क है बेसिकली, मैंने वहां से नहीं लिया था, जो फ्रंट की शॉप्स होती हैं. आई एक्सप्लोर्ड ऑल द गली गली में ना छोटी छोटी शॉप्स होती हैं एंड वहां का क्या फायदा होता है कि वहां पे कंपेरेटिवली शॉप में जो रेट्स होते हैं वो काफी कम होते हैं. बिकॉज यही सेम चिकनकारी जो कपड़ा है इसकी डिटेलिंग एज यू कैन सी इज वेरी नाइस. सो ऐसा कपड़ा वहां पे मिल रहा था 400-500 रुपए पर मीटर, वेर इन जो छोटी शॉप्स होती हैं अंदर जाके वहां पे इट वॉज फॉर 200 रुपीज मीटर. सो आई गॉट 3 meters बिकॉज आई वॉन्टेड द सूट टू बी रियली लॉन्ग वन. ये मैंने पहले से ही सोच रखा था, या तो मुझे कट स्लीव्स बनवानी थी या लंबाई तो उतनी रखनी थी. सो आप क्लॉथ मटेरियल ज्यादा लो सो उससे क्या होगा कि आपके पास ऑप्शन होगा, अगर आपको जैसा भी सूट बनवाना होगा आप आराम से बनवा सकते हो. ऑल दिस सूट में सिर्फ 2.5 meters यूज हुआ था. सो 500 फॉर द सूट मटीरियल. एंड इफ आई टॉक अबाउट द लाइनिंग, सो लाइनिंग इज समथिंग दैट यू पुट यू नो अंडरनीथ द क्लॉथ. सो उससे क्या होता है कि उसको थोड़ा सा और स्ट्रक्चर मिलता है. एंड अगर जैसे आप देख सकते हो जॉर्जेट है, थोड़ा ट्रांसपेरेंट मटीरियल, तो उसको कवरिंग भी मिलता है. सो मोस्ट ऑफ द सूट में लाइनिंग आपकी लगती है. अगर आपको नहीं समझ में आ रहा क्लॉथ मटीरियल देख के, सो यू कैन आस्क द शॉपकीपर ऑल्सो कि इसमें लाइनिंग लगेगी कि नहीं लगेगी. सो यू नीड टू बाय अ लाइनिंग. सो लाइनिंग इज कंपेरेटिवली वेरी चीप. सो इट वॉज फॉर 25 rupees पर मीटर. जैसे पतला कॉटन का कपड़ा है, सो 2 meters वॉज इनफ बिकॉज द स्लीव वॉज विदाउट द लाइनिंग, यहाँ पे नहीं लगती है लाइनिंग. सो 2 meters वॉज इनफ. सो 25 rupees 1 meter का था, तो 50 rupees पड़ा था फॉर द लाइनिंग ऑफ द सूट. सो इसमें एंड 150 फॉर द स्टिचिंग. सो मेरे ही सूट का था कि 500 क्लॉथ का था, फिर 50 rupees मेरा उसमें था, तो मतलब 700 में मेरा सूट का ऊपर का रेडी हो गया था कि प्रॉपर पूरा सूट बन चुका था. अब मैं बात करूं अगर नीचे पैंट्स की, सो मैंने गलती क्या करी थी, आई गॉट द सूट इन द मंथ ऑफ अक्टूबर ओनली, बट मैंने स्टिचिंग के लिए बिकॉज ऑफ द फेस्टिविटीज एंड ऑल थोड़ा लेट दिया इसको स्टिच होने में. एंड उसमें काफी टाइम लगा बिकॉज होता क्या फेस्टिव सीजन में काफी ज्यादा काम होता है टेलर्स के पास, तो बहुत टाइम लगा देते हैं स्टिच करने में. एंड फिर मैंने सोचा था जब सूट बन जाएगा तो मैं आराम से इसकी पजामी ले लूंगी. एंड वहीं पे मैंने गलती करी. फिर मतलब वेडिंग में जाने से 2-3 दिन जस्ट पहले ही मैं गई पजामा लेने एंड मुझे सेम कलर नहीं मिला था बिकॉज एज यू कैन सी द कलर, ऐसे एग्जैक्ट कलर का ना कुछ मिल नहीं रहा था, ना ये रेड में था ना पिंक में था, किसी कलर में नहीं था. सो मैंने एक व्हाइट कलर का पजामा लिया था फ्रॉम पहाड़गंज फॉर 200 rupees, वो ऐसा था पजामा. एंड फिर मैंने इसको डाई कराया. डाई कराते टाइम एक सीन हुआ, ये हुआ कि डाई के उन्होंने 50 rupees लिए थे एंड कलर उन्होंने ऐसा ही डाला था जब वो डाई करते हैं. इट वॉज डार्क एट दैट टाइम बट वेन आई गॉट इट बैक होम एंड आई ड्राइड इट अप, आफ्टर वंस इट वॉज ड्राइड अप तो इसका कलर बहुत फेड हो गया. एज यू कैन सी दोनों में कितना ज्यादा डिफरेंस लग रहा है. एंड आई वॉज सो सैड बिकॉज मुझे नेक्स्ट डे सुबह ही वेडिंग के लिए निकलना था एंड मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था. रात के 10 बजे के आसपास इसका पूरा एक्चुअल कलर निकल के आया था, तो मैंने सोचा कि चलो कोई नहीं, क्योंकि सूट लंबा था तो इसलिए चल गया, 250 rupees मेरा पजामा बन गया. बट मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आपको अगर ऐसा कुछ भी करना हो, सो जो इसका ये बेस है जॉर्जेट वाला मटेरियल, इसी मटेरियल का ही आप
कोई भी जॉर्जेट लेके उसका प्लाजो बनवा लो या पैंट बनवा लो, और मेरी तरह ये ऐसे रिस्क नहीं लेना कि उसको अलग से लिया, पजामा अलग से बनवाया, और स्पेशली अगर कोई ऐसा एक्सपेरिमेंटेड कलर हो तो. एनीवे चल गया था, ये अच्छा लग रहा था बिकॉज सूट की लेंथ लंबी थी, अदरवाइज तो ये बहुत ज्यादा नोटिस में आता. एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द दुपट्टा. सो फॉर द दुपट्टा, ये भी मैंने एक शॉप से लिया था, इट वॉज फॉर 150 रुपीज, एंड ये ऑलमोस्ट बिल्कुल सेम कलर का था. सो मेरे को दुपट्टा बस ऐसे ही चाहिए था, मतलब ऐसे ना शो के लिए ही बस रखना था, तो मैंने कहा मेरे को दुपट्टा भी लेना है. सो मैंने ये पूरा प्रॉपर एक सूट पहना था एंड ओवरऑल लुक बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा था, आई रियली लव्ड इट. सो इट कॉस्टेड मी लाइक 1100 रुपीज. सो 1100 में मेरी पसंद का सूट तो मुझे नहीं मिलता, तो प्रॉपर पूरा सूट भी मिल गया जो मुझे काफ़ी पसंद आया, एंड आई कैन वेयर इट अगेन एंड अगेन, दैट्स द बेस्ट पार्ट. सो आई रियली लाइक्ड इट हाउ द होल लुक टर्नड आउट. एंड फॉर द मेकअप आई केप्ट इट रियली सिंपल, एंड मैंने एक छोटी सी रेड बिंदी लगाई थी एंड सिल्वर झुमकीज पहनी थी बिकॉज मुझे चिकनकारी के साथ सिल्वर पहनना था, एंड ये पूरा कंप्लीट लुक था. सो ये पूरी वीडियो बनाने का पर्पज यही था, आपको क्लॉथ के बारे में थोड़ा सा बताना, लाइनिंग स्टिचिंग, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए. So if you're someone who has not got even a single suit stitched, so this video would be really useful for you because मैंने इसमें सारी चीज़ें try करी है cover करने की, but मैं जब shop में थी तब मैं video clips नहीं बना पाई, but next time अगर मैं ऐसा कुछ भी बनाती हूँ तो मैं उसमें try करूँगी कि मैं उन clips को भी include करूँ. अभी इसी का ही next part आ रहा है, मैंने उसी same wedding में ही एक साड़ी पहनी थी and a blouse, वो भी outfit from scratch था, तो उसकी भी मैं video जल्दी upload करूँगी. So stay tuned for that video as well, and yeah, I hope you found this video useful, and if you did then don't forget to give this video a big thumbs up and subscribe to my channel if you are new, and yeah, I'll see you super soon. Till then, take care, bye bye.